हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त और होस्ट मूवी आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, उस मूवी का नाम स्कैनर्स है। यह मूवी 1981 में रिलीज हुई थी। आज से हम स्कैनर्स मूवी सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इस मूवी सीरीज में आप स्कैनर्स के दो सिक्वल्स और दो स्पिन ऑफ देखने वाले हो। तो दिल थाम के बैठिए, आप देखने वाले हो कल्ट क्लासिक मूवी सीरीज। तो इस मूवी की शुरुआत एक शॉपिंग मॉल से होती है। इस शॉपिंग मॉल में हमें कैमरून वेल को दिखाया जाता है, जो एक टेबल की चेयर पर बैठकर सैंडविच खाने लगता है। उसकी नजर एक लेडी पर पड़ती है, जो उसके बिहेव को लेकर दूसरी लेडी से बात करने लगती है। वो उसे एक डिस्कस्टिंग मैन कहने लगती है। तभी कैमरून उस लेडी के साथ कुछ करने लगता है, जिससे उस लेडी को एपिलेप्सिस यानी कि मिर्गी के दौरे आने लगते है और वो लेडी चेयर से नीचे गिर जाती है। कैमरून का भी सिर दर्द करने लगता है और उसकी नजर दो व्यक्तियों पर पड़ती है। उन व्यक्तियों को देखकर कैमरून भागने लगता है। वो दो व्यक्ति भी कैमरून के पीछे भागने लगते हैं। तभी एक व्यक्ति एक गनशॉट से कैमरून के हाथ में एक इंजेक्शन मार देता है, जिससे कैमरून बेहोश हो जाता है और वो दो व्यक्ति उसे पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर कैमरून पर आता है, जिसे एक बेड से अच्छे से बांधा गया है। तभी उसी रूम में, जिस रूम में कैमरून को बेड से बांधा गया है, डॉक्टर पॉल रूथ आता है और कैमरून से बात करने लगता है। डॉक्टर रूथ उसे एक स्कैनर बताता है और कहता है, तुम्हें इसका एहसास नहीं है। यह कहकर वो उससे दूर हो जाता है। तभी उसी रूम में बहुत से लोग आने लगते हैं। इन लोगों के बिना लिप्स की वॉइस कैमरून को परेशान करने लगती है और कैमरून तड़पने लगता है। ये सारे लोग उस रूम में बैठकर कैमरून को देखने लगते हैं। रात के सीन में डॉक्टर पॉल रूथ वापिस से उस रूम में आता है। वे सारे लोग भी उसी रूम में थे। रूथ कैमरून के पास आता है और उसे एक ड्रग इंजेक्शन से देता है। सीन शिफ्ट होकर कॉन्सेक बिल्डिंग पर आता है। इस बिल्डिंग में हमें एक व्यक्ति दिखाया जाता है, जो कहता है कि स्कैनिंग से आमतौर पर दर्द होता है और कभी कभी नाक से खून आने लगता है, और ये कहकर उस रूम में मौजूद लोगों में से किसी को स्कैनिंग के लिए बुलाता है। तभी एक व्यक्ति स्कैनिंग के लिए उसके पास आता है। वो उसे बैठने को कहता है। ये दोनों बैठ जाते हैं। वो व्यक्ति उसे कुछ सोचने को कहता है। दूसरा व्यक्ति कहता है, ठीक है, मैंने सोच लिया, और ये कहकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो व्यक्ति उसके ब्रेन की स्कैनिंग अपने ब्रेन से करने लगता है, लेकिन वो दूसरा व्यक्ति अपनी ब्रेन स्कैनिंग पावर से उस व्यक्ति का सिर उड़ा देता है, जिससे उस रूम में भगदड़ मच जाती है। तभी एक व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति के पास आकर उसे गन पॉइंट पर लेकर अपने साथ उसे रूम से बाहर ले जाने लगता है। सीन कार में आता है। वो व्यक्ति अपनी ब्रेन स्कैनिंग पावर का यूज करके अपने से पीछे वाली कार के ड्राइवर के ब्रेन को अपने कंट्रोल में करके उस कार का एक्सीडेंट करवा देता है, जिससे वो कार जिसमें वो व्यक्ति है रुक जाती है और उसमें से दो व्यक्ति बाहर निकलकर उस एक्सीडेंट वाली कार के पास जाने लगते हैं। वो व्यक्ति उस व्यक्ति को भी जिसने उसे पकड़ा था अपने कंट्रोल में लेकर कार के बाहर के व्यक्तियों को उसके हाथों मरवा देता है। फिर वो व्यक्ति उसे खुद के हाथों मरवा देता है। सीन कॉन्सेक बिल्डिंग पर आता है और हमें कॉन्सेक लीडर दिखाया जाता है। कॉन्सेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज देने का काम करती है। कॉन्सेक ऑर्गेनाइजेशन अपने काम के लिए स्कैनर्स का यूज करती है। हमें यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी डायरेक्टर ब्रेडन केलर दिखाया जाता है, जो डॉक्टर पॉल रूथ से पूछता है, हमारे साथ कितने स्कैनर्स काम कर रहे हैं। डॉक्टर पॉल रूथ कहता है, 236 स्कैनर्स हमारे कॉन्टैक्ट में थे, पर कॉन्सेक के सर्विलांस सिस्टम ने उनसे कॉन्टैक्ट धीरे धीरे खो दिया। ये सुनकर पूरी मीटिंग का माहौल गर्म हो जाता है। कॉन्सेक लीडर कहता है, क्या आप इसे अच्छे से समझाएंगे। डॉक्टर रूथ कहता है, नॉर्थ अमेरिका में एक अंडरग्राउंड स्कैनर है, जिसका अपना ऑर्गेनाइजेशन है, और वो ऑर्गेनाइजेशन इन स्कैनर्स को अपने साथ धीरे धीरे जोड़ रहा है। कॉन्सेक लीडर उसका नाम पूछता है। पॉल रूथ उसका नाम डेरिल रेवोक बताता है और कहता है, यह हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में था, यह वही व्यक्ति है जिसने हमला किया। तभी पॉल रूथ उसके ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्सेक का एक स्कैनर भेजने की एडवाइस देता है। कॉन्सेक लीडर इस एडवाइस को मान लेता है। ब्रेडन केलर कहता है, हमारे पास उसकी फील्ड में भेजने के लिए कोई स्कैनर नहीं बचा। रूथ कहता है, मेरे पास अभी भी एक स्कैनर बचा है, जो बहुत खास है। सीन शिफ्ट होकर डॉक्टर रूथ और कैमरून पर आता है। डॉक्टर रूथ कैमरून से पूछता है, इंजेक्शन लेने के बाद उन लोगों की बिना लिप्स की वॉइस के साथ क्या हुआ। कैमरून कहता है, आवाजें रुक गई। तभी रूथ उस ड्रग का नाम एफेमेरोल बताता है और कहता है, यह ड्रग जब स्कैनर को दिया जाता है तो ये ड्रग बिना लिप्स की आवाजों को रोक देता है। यह ड्रग आपकी मदद कर सकती है। फिर डॉक्टर रूथ कैमरून को डेरिल रेवोक के बारे में बताने लगता है। वो उसके मकसद के बारे में बताता है और कहता है, रेवोक सोसाइटी और मानव सभ्यता दोनों के लिए खतरा है। डॉक्टर रूथ रेवोक को
खत्म करने के लिए कैमरून से मदद मांगता है। सीन शिफ्ट होकर मिस्टर केलर पर आता है जो किसी व्यक्ति को डॉक्टर रूथ का प्लान बता रहा था। डॉक्टर रूथ कैमरून को बेंजामिन पियर्स के बारे में बताने लगता है। यही एकमात्र व्यक्ति है जिससे हमें डेरिल रेवोक के बारे में कुछ पता चल सकता है क्योंकि इसने रेवोक के साथ काम किया है। ये तुम्हें क्रोस्टिक आर्ट गैलरी में मिलेगा। फिर हमें कैमरून आर्ट गैलरी में दिखाया जाता है। वो एक व्यक्ति से बेंजामिन पियर्स के बारे में पूछता है पर वो व्यक्ति उसे बेंजामिन पियर्स के बारे में कुछ नहीं बताता। तभी कैमरून अपनी ब्रेन स्कैनिंग पावर का यूज करता है जिससे उस व्यक्ति की नाक से खून आने लगता है। फिर हमें किम दिखाई जाती है जो कैमरून को स्कैन करती है जिससे कैमरून की नाक से खून आने लगता है। सीन के दूसरे हिस्से में कैमरून को बेंजामिन पियर्स के घर दिखाया जाता है। वो उसे डेरिल रेवोक को ढूंढने में मदद मांगता है। वो दोनों एक बड़ी सी मूर्ति के अंदर बैठकर बात कर रहे थे। बेंजामिन उसकी मदद से मना कर देता है और एक कह के मूर्ति से बाहर आकर खड़ा हो जाता है। तभी कुछ लोग आकर बेंजामिन पर गोलियां चलाने लगते हैं जिससे बेंजामिन घायल हो जाता है। कैमरून अपनी स्कैनिंग पावर का यूज करके उन लोगों को मार देता है और बेंजामिन के पास जाता है। बेंजामिन किम ओब्रिस्ट का नाम लेता है और मर जाता है। कैमरून किम ओब्रिस्ट से मिलने उसके घर जाता है। फिर हमें कैमरून और किम के बीच मुलाकात दिखाई जाती है। किम कहती है, मैं तुम्हें जानती हूँ, मैंने तुम्हें गैलरी में देखा था। कैमरून उससे मदद मांगता है। हमें डेरिल रेवोक दिखाया जाता है जो कुछ लोगों के ब्रेन को अपने कंट्रोल में करके उन्हें कैमरून और किम ओब्रिस्ट को मारने भेजता है। कैमरून किम और बाकी के स्कैनर्स एक सर्कल बना के अपने नर्वस सिस्टम को एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया कर रहे थे। तभी वे लोग आकर उन पर गोलियों से हमला कर देते हैं। इस हमले में कुछ स्कैनर्स मर जाते हैं। किम अपनी पावर का यूज करके उन हमलावरों को जिंदा जला देती है। कैमरून किम और बाकी के बचे हुए स्कैनर्स स्कूल बस में बैठकर वहां से भागने लगते हैं। तभी डेरिल के लोग आकर उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में उनकी बस एक डिस्को मार्ट के अंदर घुसकर पलट जाती है। इस हमले में किम और कैमरून ही बचते हैं। तभी ये दोनों उस बस से निकलकर छुपने लगते हैं। तभी डेरिल का एक व्यक्ति उनका पीछा करते हुए उनके पास आ जाता है। कैमरून अपनी स्कैनिंग पावर का यूज करके उसे कंट्रोल करता है और उससे डेरिल की इंफॉर्मेशन निकालने लगता है। वो व्यक्ति उसे एक ड्रग दिखाता है। कैमरून उस ड्रग प्रोडक्शन लैब में जाता है। वो उस लैब के कंट्रोल रूम में जाकर कंप्यूटर पर कुछ इंफॉर्मेशन निकालने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि कोई एफेमेरल ड्रग की सप्लाई डेरिल रेवोक को कर रहा है। कैमरून पॉल रूथ से टेलीफोन मोबाइल पर बात करता है। वो कहता है, डेरिल रेवोक के ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर मेरे पास है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। रूथ कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें अंदर लाने की व्यवस्था करता हूँ। सीन केलर पर आता है और हमें यहाँ पता चलता है कि केलर डेरिल रेवोक के लिए काम करता है। वो कैमरून और डॉक्टर रूथ की मोबाइल टेलीफोन पर जो बात हुई उसके बारे में डेरिल रेवोक को बताता है। रेवोक कहता है, अगर रूथ को हमारे बारे में कुछ भी पता चले तो तुम रूथ को मार देना। फिर हमें कैमरून और किम दिखाए जाते हैं जो हेलीकॉप्टर से कॉन्सेक सेंट्रल पर आते हैं। रूथ और कैमरून के बीच मुलाकात दिखाई जाती है। कैमरून रूथ से बायो कार्बन अमलगमेट लैब के बारे में पूछता है। रूथ कहता है, हाँ बिल्कुल, मैंने ही इसकी फाउंडेशन 1942 में की थी और कॉन्सेक को बेच दी। कैमरून कहता है, इस लैब से एफेमेरल ड्रग डेरिल के लिए बनाया जा रहा है और उसे भेजा जा रहा है। रूथ उसका नाम पूछता है। कैमरून कहता है, इसका नाम कंप्यूटर में है। रूथ कैमरून को कहता है, तुम अपने नर्वस सिस्टम को कंप्यूटर से कनेक्ट करके कंप्यूटर का स्कैन करो। ये कहकर रूथ उसे कंप्यूटर रूम में ले जाने लगता है। सीन किम और केलर पर आता है। केलर रेवोक के बारे में किम से पूछता है पर किम उसे कोई सही जवाब नहीं देती और वहां से जाने लगती है। केलर गन लेकर उसे शूट करने लगता है। वो अपनी पावर का यूज करके केलर को अपने से दूर कर देती है और उस रूम से भाग जाती है। केलर अलार्म बजा देता है। कैमरून अलार्म सायरन सुनकर किम को ढूंढने जाता है। इस बीच कैमरून ने रूथ को अपने ब्रेन से कनेक्ट कर लिया था और उससे बात कर रहा था। रूथ एक रूम में जाकर बैठ जाता है। तभी केलर आकर उसे मार देता है। कैमरून को चल जाता है। किम कैमरून के पास आती और कहती है, केलर ने मुझे मारने की कोशिश की। फिर ये दोनों कॉन्सेक सेंट्रल से भाग जाते हैं। कैमरून और किम एक फोन बूथ में जाते हैं। कैमरून फोन बूथ के फोन से कॉन्सेक कंप्यूटर प्रोग्राम को एक्सेस करने लगता है क्योंकि उसने कंप्यूटर को अपने नर्वस सिस्टम से जोड़ लिया था। केलर को इस बात का पता चल जाता है। वो पूरे कंप्यूटर प्रोग्राम को नष्ट करने को कहता है। वो एक काम गन की नोक पर कराता है। कंप्यूटर एक्सपर्ट सेल्फ डिस्ट्रैक्ट प्रोग्राम
शुरू कर देता है, जिससे कैमरून को कुछ होने लगता है। कंप्यूटर रूम में एक जोरदार धमाका होता है। इस धमाके में केलर की मृत्यु हो जाती है और पूरा कंप्यूटर रूम नष्ट हो जाता है। किम और कैमरून ये दोनों डॉक्टर एल फ्रेन के पास जाते हैं। इस डॉक्टर की इंफॉर्मेशन उन्हें उस कंप्यूटर से मिली थी। किम एक प्रेग्नेंट लेडी के सामने बैठ जाती है। कैमरून डॉक्टर से मिलने जाता है, तभी किम को उस प्रेग्नेंट लेडी का अनबोर्न बेबी स्कैन करने लगता है, जिससे उसके नाक से खून आने लगता है। कैमरून डॉक्टर फ्रेन से उस ड्रग के बारे में बात करता है। सीन शिफ्ट हो जाता है और कैमरून किम के पास आ जाता है। किम कहती है, एक अनबोर्न बेबी ने मुझे स्कैन किया। कैमरून कहता है, डॉक्टर फ्रेन अपनी प्रेग्नेंट पेशेंट्स को एफेमेरोल ड्रग दे रहा है और ये ड्रग नए स्कैनर बना रहा है। तभी उन पर हमला हो जाता है। बेहोशी का इंजेक्शन किम की पीठ पर लग जाता है। कैमरून उस इंजेक्शन को निकालता है और ये दोनों बाहर आने लगते हैं। तभी किम नीचे गिर जाती है। इस बीच डेरी रेवोक बेहोशी का इंजेक्शन कैमरून को अपनी गन से मार देता है। सीन शिफ्ट होकर बायोकार्बन लैब में आता है। कैमरून होश में आ जाता है। वो डेरी रेवोक से किम के बारे में पूछता है। डेरिल कहता है, वो ठीक है और दूसरे रूम में है। रेवोक कहता है, क्या तुम्हें तुम्हारे फादर के बारे में पता है? कैमरून मना कर देता है। वो कहता है, तुम्हारे फादर डॉक्टर पॉल रूथ है। वो सॉरी, हमारे फादर डॉक्टर पॉल रूथ है। कैमरून को इस बात पर विश्वास नहीं होता। तभी रेवोक उसे एफेमेरोल ड्रग के बारे में बताने लगता है। वो कहता है, 1947 में एफेमेरोल ड्रग के लिए एक कैंपेन चलाया गया था। ये ड्रग प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए था, ताकि उनका पेन कम हो सके। पर एक कैंपेन और ये ड्रग दोनों फेल हो गए, क्योंकि इस ड्रग से अनबोर्न बेबीज को इनविजिबल साइड इफेक्ट होने लगे और इसने स्कैनर बनाए। और इस ड्रग को बनाने वाले हमारे प्यारे फादर डॉक्टर पॉल रूथ था। कॉन्सेक ने इन प्रयोगों को फाइनेंस किया, ताकि वे स्कैनर्स का यूज अपने लिए कर सके। रेवोक अपना मकसद भी बताता है। वो कहता है, मैं स्कैनर्स की एक फौज बना रहा हूँ, ताकि इस पूरी पृथ्वी पर अपना एम्पायर खड़ा कर सकूं। वो इस काम में कैमरून की मदद मांगता है। कैमरून उस पर किसी चीज से हमला कर देता है। इन दोनों के बीच काफी तगड़ी फाइट होती है। रेवोक कैमरून के ब्रेन को सोखने लगता है। वो उसे अपने अंदर लाने लगता है। कैमरून भी यही करता है। कैमरून का चेहरा फटने लगता है। रेवोक उस पर भारी पड़ रहा था। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। तभी कैमरून अपनी आखिरी चाल चलता है। वो खुद को जलाने लगता है। उसकी आंखें फट जाती है और खुद को रेवोक के अंदर ले जाता है। कैमरून ने खुद को क्यों जलाया? कैमरून ने खुद को इसलिए जलाया ताकि रेवोक उसके अंदर ना आ सके। सीन शिफ्ट होता है और हमें किम दिखाई जाती है। किम रूम से बाहर आती है। उसे बाहर कैमरून की जली हुई बॉडी मिलती है। वो उस बॉडी के पास बैठकर अफसोस जताने लगती है। तभी उसे कैमरून की आवाज सुनाई देती है और उसकी नजर डेरिल रेवोक पर जाती है, जिसकी आंखें और आवाज कैमरून जैसी थी। और वो कहता है कि किम, मैं हूँ कैमरून और हम जीत गए। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।